चलें ठीक हो गया जनाब। हाँ जी, हम कल इंटरलॉकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम ने डिस्कस किया था, आज हम इंटरलॉकिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे जनाब। इंटरलॉकिंग सिस्टम पे डिस्कशन हमें स्टार्ट हो गई थी। इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या, पहले यहां से फिर दोबारा डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम कहां पे अप्लाई हो रहा होता है, हाँ क्या होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, बताएं जरा मुझे। सब लोग खरी अब ट्राई करें, व्हाट इज द इंटरलॉकिंग सिस्टम। हाँ जी, व्हाट इज इंटरलॉकिंग सिस्टम बेटा, रिप्लाई करें। अच्छा, अगर हेड ऑफिस में हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो देन इंटरलॉकिंग सिस्टम अप्लाई होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर तो कंपनी के अंदर सेंट्रलाइजेशन है, वो डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइजेशन मींस हमारा जो हेड ऑफिस है, हमारा जो फैक्ट्री है यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों एक ही जगह पे हैं। अगर तो वहां पे सिस्टम सेंट्रलाइज है, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, वहां पे इंटीग्रेटेड सिस्टम भी चल सकता है, इंटरलॉकिंग भी चल सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट यानी हेड ऑफिस वो किसी और जगह पे, सपोज यहाँ लाहौर में है, और फैक्ट्री हमने कहाँ लगाई हुई, सपोज हमने इस्लामाबाद में लगाई हुई, अब यहाँ पे हमारे पास मीन हमारा जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है और हमारे जो हेड ऑफिस है, दोनों दोनों डिफरेंट काम कर रहे हैं। हमारा फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा हेड ऑफिस जो है, ठीक है मैं इसको यूज कर लू, पीछे आ तो गया था। हाँ जी, हमारा जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है और हमारा जो हेड ऑफिस है, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। अलग अलग काम करने के मतलब क्या है कि लाइक फैक्ट्री मैंने बात की लाहौर में है, या हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है, फैक्ट्री हमारी इस्लामाबाद में है, अब ये अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये सवाल है सबसे पहले। अब हम कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे, इसके लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में जितने भी अकाउंटेंट्स, आप कह लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो फोर रेकमेंडेशंस देते हैं। वो रेकमेंडेशंस क्या है, पहले ये सुन ले जरा। एक तो रेकमेंडेशन ये है कि हम सारे के सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस में मैनेज कर लें, सारी डिसीजन मेकिंग हेड ऑफिस में प्लान करने, सारी सारी रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन द हेड ऑफिस। हर चीज हम हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दें और हेड ऑफिस में सारे प्लान और सारे रिपोर्ट्स बना दें। एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम हेड ऑफिस में कुछ भी ना बनाएं, हम सारे के सारे अकाउंट, सारे के सारे रिपोर्ट्स, अच्छा अगर हजार सब कुछ हेड ऑफिस में बनाएंगे तो वो जो जहां फैक्ट्री डिपार्टमेंट है वहां छोटे छोटे जो डिसीजन लेने होते हैं डे टू डे वर्किंग के दौरान, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। वो कौन डिसीजन लेगा, वहां कोई रिपोर्ट ही नहीं, वहां उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, कोई अकाउंट्स ही नहीं, वो डिसीजन कैसे लेंगे क्योंकि डेटा ही नहीं उनके पास, सारा सेंट्रलाइज हेड ऑफिस में सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो मैनेज कैसे करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को। बट आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर की है, देखिए ना स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है, इज इट पॉसिबल। चलिए ठीक होगी, ठीक होगी बात। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर। इंटरलॉकिंग सिस्टम में हमारे पास चार तरह की चीजें होती है, गौर से बेटा सुनेंगे। एक तो मैंने कहा कि फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट कि हम हेड ऑफिस में सारे सारे रिकॉर्ड्स बना लें। थोड़ा सा मैं यहां पे इसको मेंशन भी करता जाता हूं, चलो क्या कहते हैं आप, मैं चाहता हूं यहां पे आपको इसमें कुछ मेंशन कर लेते हैं यहां पे।
जनाब क्या किया जाए, एक तो हम हेड ऑफिस में सारी सारी रिपोर्ट्स बना दी जाए, एक तो ये तरीका है कि सारी सारी रिपोर्ट सारी सारे अकाउंट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन द हेड ऑफिस। अब सारी सारी चीज अगर हम हेड ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे, क्यों जी, ईच एंड एवरीथिंग अगर हमने हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दिया तो फिर जो हमारा जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट होगा, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, वहां अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है डे टू डे वर्क के दौरान, रोजमर्रा के काम के दौरान कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो उन डिसीजन के अंदर फिर मसला आने लग जाएगा, फिर वो डिसीजन नहीं लिए जा सकते होंगे क्योंकि उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है, उनके पास कोई अकाउंट ही नहीं है, वो कुछ मैनेज ही नहीं कर रहे, तो कैसे डिसीजन लेंगे। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत सी कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि वो अपने हेड ऑफिस में मीन्स सारे सारे सिस्टम्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो हमारे हमारे पास जो लोकल सिस्टम्स होते हैं मीन्स फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है वहां कुछ भी नहीं होता, वहां जस्ट प्रोडक्शन होती है डेली, आप कहने की मेल के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते, मीन्स वो डेली काम करते ही नहीं, डेली उनकी किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होती, तो मीन वो सारा का सारा कहां मैनेज किया जा रहा होता है, हेड ऑफिस के अंदर। अच्छा कुछ, अब सेकंड रिकमेंडेशन क्या है, सेकंड रिकमेंडेशन जनाब ये है कि हेड ऑफिस में कुछ भी ना किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग आप शिफ्ट कर दें आप फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर और फैक्ट्री डिपार्टमेंट में सारा काम करें आप, ये भी एक रिकमेंडेशन, मीन्स सारे सारे अकाउंट सारी सारी रिपोर्ट हम कहां बनाएंगे, हम इसको हेड ऑफिस में मेंटेन नहीं करेंगे, इसको हम अकाउंट डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जा रहा होगा, यानी फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर सारे अकाउंट शिफ्ट कर दिए जाए, हेड ऑफिस में कुछ भी ना रखा जाए, सारे के सारे अकाउंट्स हम फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर दें, फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो होगा मीन फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो वहां पे सारे अकाउंट शिफ्ट हो, सब वहां सब कुछ हो, एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल के बाद कोई लाइक चीजें जब पूरी हो जाती हैं तो फिर आप अपने जो रिजल्ट्स हैं या जो चीजें आपकी फाइनल आपके प्रॉफिट्स हैं वो आप ट्रांसफर कर लें अपने हेड ऑफिस के अंदर, बात समझ आएगी, दिस इज जस्ट लाइक द एक तरह से आप सेंट्रलाइज कर लें, या तो हेड ऑफिस में सारे के सारे सिस्टम आप शिफ्ट कर लें, अगर हेड ऑफिस में आपने शिफ्ट नहीं करना तो फिर आप उसमें अपने फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे सिस्टम आप शिफ्ट कर लें, किसी एक जगह पे आप सारे के सारे अकाउंट्स बना लें, तो वो उसमें क्या होगा कि अगर आप सारे के सारे अकाउंट्स किसी एक जगह पर शिफ्ट करेंगे तो उस जगह पे सारी सारी चीजें मेंटेन की जा रही होंगी, बाकी जो दूसरा डिपार्टमेंट होगा वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर रहा होगा, ठीक होगी बात यहां तक क्लियर। लेकिन अगर हमने दोनों जगह पे सिस्टम चलाना है जनाब, अगर हमने मेंटेन कुछ इस तरह से करना है कि हमने हमने कहना क्या हेड ऑफिस के पास भी कुछ रिकॉर्ड कुछ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए और हमारे पास जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है वहां भी कुछ अकाउंट कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, दोनों जगह पे हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, देन वी विल अप्लाई द इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो फिर हम वहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें कुछ रिकॉर्ड यानी कुछ अकाउंट्स हम हेड ऑफिस में मेंटेन कर लेंगे और कुछ अकाउंट्स कुछ रिकॉर्ड्स हम अपने फैक्ट्री डिपार्टमेंट में मेंटेन कर लेंगे, दोनों जगह पे हम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर लेंगे, लेकिन कैसे मेंटेन करेंगे, देखें पहली बात मैंने सबसे पहले क्या बात की है कि बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि सारे के सारे अकाउंट्स कहां मेंटेन करती हैं, वो अपने हेड ऑफिस में सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, वो दूसरे वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करती, वो सारा सब कुछ अपना हेड ऑफिस में शिफ्ट कर लेती है और हेड ऑफिस के थ्रू ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सर्विस शूज अगर आपने सुना ही हो, सर्विस शूज का आपको आइडिया होगा, तो सर्विस शूज क्या करती है, सर्विस शूज के अंदर जनाब ये होता है कि सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं ना वो लाइक फैक्ट्री डिपार्टमेंट मेंटेन किए जाते हैं, वो हेड ऑफिस में कुछ भी नहीं होता। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं होंडा कंपनी, होंडा आपको मोटर कार का आइडिया होगा, होंडा कंपनी में क्या होता है, उनके यहां सिस्टम है कि सारा का ईच एंड एवरीथिंग जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा वो हेड ऑफिस में चल रहा होता है, हेड ऑफिस उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो बाकी हमारे पास जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे जो कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है कोई मेंटेनेंस या मींस कोई ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जा रहे होते, कोई अकाउंट्स नहीं बन रहे होते यहाँ पे। तो दुनिया में डिफरेंट कंपनीज अब डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज हेड ऑफिस सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, जैसे मैंने बताया ये हमारे पास होंडा कंपनी है, होंडा मोटरसाइकिल जैसे आपको आइडिया होगा,
और कुछ कंपनी जो अपने फैक्ट्री में सब कुछ मेंटेन कर लेती है, जैसे सर्विस शूज मैंने आपको दिया, वो सब कुछ अपने वहीं पे मेंटेन कर लेते हैं। अब कुछ कंपनीज क्या होती है, वो कहती नहीं जी, नंबर थ्री, तीसरा सिस्टम, यानी मैंने ये बताया अभी आपको, लिखा दिस वॉज द सेकेंड सिस्टम, कि ये आप फैक्ट्री के अंदर सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, फैक्ट्री में सारे रिपोर्ट होंगे। अब तीसरा सिस्टम जो मेन हमने पढ़ना है, दैट इज अकाउंटिंग सप्लिट सिस्टम। अकाउंटिंग को ब्रेक करें ना जी, दोनों जगह पर रिकॉर्ड सप्लिट ब्रेक करें, यानी कुछ अकाउंट क्या करें आप यहां पर हेड ऑफिस में मेंटेन रखें, और कुछ अकाउंट्स आप कहां पे मेंटेन रखें, यानी दोनों जगह पे अकाउंट्स मेंटेन होंगे, हेड ऑफिस में भी मेंटेन होंगे और हमारे पास फैक्ट्री डिपार्टमेंट में मेंटेन होंगे। ठीक होगी बात यहां तक। और इसके बाद जो चौथा सिस्टम आता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, यानी इसे बोलते हैं, ये हमारे पास अकाउंटिंग सप्लिट मैथड कह रहे हैं आप इसको, ये भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद नंबर फोर मैथड आता है हमारे पास, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, ईच एंड एवरी थिंग विल बी इंटरलॉक, कोई चक्कर ही नहीं है, वो प्रॉपर अपने अकाउंट बनाएगा, वो प्रॉपर अपने अकाउंट बनाएगा और एक दूसरे से भी लिंक नहीं रखेंगे, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम कह लें आप, ये हमारे पास फोर सिस्टम होता है, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिस्टम फुली इंटरलॉक हो रहा होता है, प्रॉपर हमने सिस्टम डेवलप कर लिया और प्रॉपर इसके इंटरलॉक भी कर लिया हमने, ये फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये जो फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर जाके फिर क्या होता है हमारे पास, हम ईच एंड एवरीथिंग विल बी लॉक, तो ये एक दूसरे से भी लिंक नहीं करते। तो बहरहाल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग सप्लाइट। ठीक होगी बात यहां तक, कोई सवाल बेटा आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप पूछना चाहें यहां तक, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? हाँ बेटा, यहां तक क्लियर है सब कुछ? चल आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं ये अकाउंटिंग सप्लिट मेथड में होता क्या है, ये हमारी मेन डिस्कशन। अकाउंटिंग सप्लिट मेथड में थोड़ा सा पहले मैं आपको ब्रीफ आईडिया देता हूं, फिर मैं कुछ लिखूंगा, फिर हम सवाल पे चले जाएंगे। अकाउंटिंग सप्लिट मेथड में जनाब क्या होता है हमारे पास, अकाउंटिंग सप्लिट मेथड में हमारे पास क्या होता है कि यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट, यानी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स वाले, वो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट यानी इंटरनल रिपोर्टिंग वाले, वो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, दोनों अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दोनों अपने पास एक एक, एक दूसरे का एक अकाउंट मैनेज कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है वो क्या बना रहा होता है बेसिकली, इसमें हम अगर बात करें, वो बनाता है एक जनरलाइज्ड सिस्टम, यानी फैक्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड्स उसी में मेंटेन करता है, उसे वो फाइनेंशियल, उसे वो जनरल लेजर का नाम देता है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बोले या इसको आप जनरल लेजर अकाउंट बोल रहे हैं आप इसको, वो इसके थ्रू सारी चीजें मेंटेन कर रहा होता है। ठीक होगी बात। जबकि हमारे पास जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है वो फैक्ट्री लेजर एक बनता है हमारे पास, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो फैक्ट्री के एक अकाउंट मेंटेन कर लेता है, तो जब फैक्ट्री का एक अपने रिकॉर्ड बनाता है उसके अंदर हेड ऑफिस की जितनी एंट्री होती है वो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से पुट करता है। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने रिकॉर्ड प्रॉपर बनाते हैं, एक बन जाता है हमारे पास फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट और एक बन जाता है हमारे पास जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं इसमें, देखें जरा, देखें जरा, हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग सप्लिट मैथड। ठीक है, पहले जो दो मैथड वो तो उस तरह सप्लाई नहीं, तो कहते जो आप अकाउंट्स बनाते हैं एक ही जगह बना रहे, बाहर खत्म कर, अलग अलग नहीं बनाना, वहां तो इंटरलॉकिंग चलता है, एक ही जगह पे अकाउंट्स बना लेते हैं। अब इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, यानी सप्लिट मैथड में क्या होता है, एक हमारे पास है हेड ऑफिस, ठीक हो गया बेटा, और एक हमारे पास क्या है, हमारी फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये बात क्लियर होगी, ये दो चीजें होगी, दोनों क्या है सेपरेट सेपरेट जगह पे, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, कह रहे क्यों कह रहे हैं आप, एक और जगह पे, दूसरा किसी और जगह पे। हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगा, अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगा।
फैक्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगा, दोनों अकाउंट्स मेंटेन करेंगे प्रॉपर, अपने अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे ना दोनों, ठीक होगी बात यहां तक। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस अपने पास जितने भी अकाउंट्स बना रहा होगा, हेड ऑफिस की बात मैं अगर करूं तो मैं स्क्रीन कह सकता हूं कि ये फाइनेंशियल यानी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए बना हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट आप यूं कह रहे हैं आप, ठीक है, इसको मैं फाइनेंशियल या एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए बनते हैं। हेड ऑफिस का काम क्या होता है, एक्सटर्नल लोगों को रिपोर्ट्स करना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट यहां पर काम कर रहा होता है, तो यूं कह लें कि ये अपना एक फाइनेंशियल लेजर बनाता है, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फैक्ट्री का मतलब क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये बात समझ आती है, हमने पढ़ा हुआ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये इसमें काम कर रहा होता है। और ये किसके लिए होता है, ये हमेशा इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए काम करता है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए काम कर रहा होता है। हाँ जी बेटा, आवाज कम आ रही है आपको, आवाज क्लियर है सबको, सबको आवाज आ रही ठीक तरह से बेटा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ जी बेटा, हाँ जी। अच्छा तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि हेड ऑफिस जो होता है वह एक्सटर्नल रिपोर्ट्स करता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो है यानी फैक्ट्री पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम कर रहा होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा था, वो इंटरनल रिपोर्टिंग कर रहा होता है, जबकि हेड ऑफिस में सारे के सारे ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर रहा होता है। हेड ऑफिस में क्या बनता है, यू कह रहे कि फाइनेंशियल लेजर जो एक्सटर्नल सारे अकाउंट मेंटेन करता है। फैक्ट्री में क्या बनता है कि फैक्ट्री लेजर, यू कह रहे मैं इसको यूं कह सकता हूं कि यहां एक फैक्ट्री लेजर बन रहा होता है, फैक्ट्री लेजर में सारे अकाउंट्स मेंटेन, फाइनेंशियल लेजर में अकाउंट्स मेंटेन करता है, ये फैक्ट्री लेजर में। अब हेड ऑफिस अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, सारे अकाउंट्स बना रहा होता है, लेकिन फैक्ट्री से रेलेवेंट कोई भी जो चीज होती है इसके पास, फैक्ट्री से रेलेवेंट, ये हेड ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, वो फैक्ट्री से रेलेवेंट जो भी एंट्री होती है वो किस नाम से पुट करते हैं, वो इसे फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में पुट कर लेते हैं, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये बात समझ आती है, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसके अंदर ये सारी चीजें वो रिसीवेबल्स की तरह शो होती है उनके पास, वो कहते हैं यार हमारे ये फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, यहां से हमें चीजें रिसीव होनी ना ऑब्वियसली, तो वो कहते हैं कि ये हमारा फैक्ट्री डिपार्टमेंट है यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस में एंट्री हो रही है, तो वो कहते हैं हमारी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं यानी फैक्ट्री के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो एक उसका लेजर बना लेते हैं फैक्ट्री के नाम से, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो हेड ऑफिस के अकाउंट्स के अंदर एक फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बन जाता है, और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे होते हैं रिसीवेबल, और ये हेड ऑफिस शो करता है कि हमारे रिसीवेबल्स है, कि एक तरह से हमने इनसे चीजें रिसीव करनी है, ये यूं कह रहे कि हमने इनके थ्रू कुछ हमारे हमारे मार्केट में सेल होनी है और यहां से हमें पैसे आने हैं, तो मीन फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, बन के वो आगे सेल करते हैं तो रिकवरी हो जाती है, तो ये फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट एक तरह से उनका रिसीवेबल ही ट्रीट हो रहा होता है, कि यहां जिसमें अकाउंट में जितनी भी चीजें आएंगी मार्केट में सेल होंगी और इनके पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो हेड ऑफिस अपने पास एक फैक्ट्री के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर डालता जा रहा होता है, अभी मैं आता हूं कि वह एंट्री कैसे की जा रही होती है। अच्छा अब मैं बात करूं तो फैक्ट्री के अंदर अकाउंट्स कैसे मेंटेन की जाती है, फैक्ट्री में फैक्ट्री लेजर बना हुआ है उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जा रहे होते हैं, जरा मैं उस पर आता हूं बेटा, फैक्ट्री में आता हूं, फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री क्या बनाती है। अच्छा एक और चीज मैं यहां पे बता दूं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने ये बात की बेटा, अभी मैंने बात की कि ये फाइनेंशियल लेजर है, हेड ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, हेड ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स, चलें हेड ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स बन रहे हैं, चलें ये सारे अकाउंट्स, ये टोटल सारे अकाउंट्स हैं ना हेड ऑफिस के, ये इसको फाइनेंशियल लेजर भी बोलते हैं, इसको जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ये नाम भी दिया जा सकता है, ठीक हो गया। यानी यू कह लें कि हेड ऑफिस एक जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है जिसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है, हेड ऑफिस एक जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है जिसके अंदर वो सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है, उस जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर फैक्ट्री के रेलेवेंट जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितनी भी एंट्री होती है वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में बनती जा रही होती है,
यानी हेड ऑफिस जो होता है, यानी हमारे अकाउंट हेड ऑफिस जो होता है वो एक जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है, उसमें सारी एंट्री करता है और इसके अंदर फैक्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी एंट्री होती है वो किस हेड के नाम से होती है, वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से हो रही होती है। ठीक होगी बात बेटा, यहां तक बात क्लियर? अच्छा जी, जरा मैं पहले क्लियर कर दूं फिर आगे चलते हैं इसमें, पहले मैं इसमें क्लियर करूं फिर आपसे डिस्कशन करता हूं। इसी तरह से फैक्ट्री वाले क्या कहते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अकाउंट्स बन रहे हैं ये, इस पे आगे बढ़ा। अब मैं फैक्ट्री की बात करूं, फैक्ट्री में क्या बन रहा होता है, अभी मैंने बात की फैक्ट्री में बनता है फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री वाले अपने जितने भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे वो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, ये बनाते हैं फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं जनाब। ठीक हो गया। अब फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर फैक्ट्री की सारी एंट्रियां हो रही होती हैं और जितनी भी इसके अंदर हेड ऑफिस से रेलेवेंट एंट्रियां होती हैं वो किस हेड में डालते हैं, वो ये डाल देते हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो कहां डाल देते हैं उसको, जनरल, तो वो डालते हैं इसको जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक होगी बात बेटा। और उसके अंदर ये सारी चीजें किस तरह, ये पेबल्स के तौर पे शो होती हैं, पे करना होता है, वो पेबल्स के नाम से इसको मेंटेन करते जा रहे होते हैं। मैं और फर्दर इसको एक और समराइज कर देता हूं, चलो थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं। देखिए जरा, मैंने कहा ये हेड ऑफिस है और मैंने कहा ये फैक्ट्री है, दो बातें मैंने की, हेड ऑफिस और फैक्ट्री। हेड ऑफिस क्या बनाएगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री क्या बनाएगी, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्या बनेगा, एक तो बाकी सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे होंगे और फैक्ट्री से रिलेवेंट जितनी भी होगी वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा होगा। अब फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री में जो बनता है उसमें क्या होगा, एक तो बाकी सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे होंगे और हेड ऑफिस से रिलेवेंट जितनी भी एंट्री होंगी वो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में हो रही। हेड ऑफिस के लिए ये क्या है, हेड ऑफिस के लिए ये सब कुछ क्या है, ये रिसीवेबल्स के तौर पे शो हो रहा होता है। जनरल लेजर कंट्रोल का यानी फैक्ट्री के लिए ये सारा कुछ क्या है, वो कहते हैं इनको पे करने के पेबल्स ट्रीट हो रहा होता है। दिस इज समराइज स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी, अब बेटा सवाल पूछिए, क्या बात समझ नहीं आती। यानी दोनों अपने पास अकाउंट बनाएंगे, हेड ऑफिस भी बनाएगा, फैक्ट्री लेजर फैक्ट्री वाले भी बनाएंगे। फैक्ट्री वाले अपने पास एक हेड बना लेंगे जनरल लेजर, तो हेड ऑफिस की सारी एंट्री जनरल लेजर में डालेंगे। हेड ऑफिस वाले अपने पास एक अकाउंट बना लेंगे फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री से रिलेवेंट सारी एंट्री फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाल लेंगे। हाँ जी बेटा, यहां तक कोई मसला है तो बताएं मुझे, इज इट क्लियर? फिर मैं एंट्री पे जाऊंगा। यहां तक अगर क्लियर है तो देन वी विल कंटिन्यू। सब लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से, पेएबल और रिसीवेबल का दोबारा बता दे जरा। चले यहीं से मैं एक नई शीट लेता हूं और उसमें इसको जरा करते हैं। अच्छा, मैंने क्या बात की, सबसे पहले मैं किसके बारे में डिस्कशन करूं, चलो बताएं आप जरा। मैं हेड ऑफिस से एंट्री जरा कर देता हूं। हेड ऑफिस क्या बनाता है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक हो गया। तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्रियां कैसे होती हैं, अब जरा इसमें मैं जरा बात करता हूं कि जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर एंट्रियां कैसे हो रही होती है, मटीरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, कैसे एंट्री होती है, स्टेप वही है, थोड़ा सा नाम का जस्ट फर्क है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, हेड ऑफिस पे पहले मैं बात करता हूं, ये हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस क्या बनाता है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक हो गया बेटा। अब इस जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री कैसे होंगी, तो अगर हमने कोई डायरेक्ट मटेरियल परचेज की है तो वो कैसे एंट्री करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने एक तरह से यूं पहले एंट्री क्या करनी है, उसने यूं एंट्री करनी है, लाइक हेड ऑफिस ने मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देगा, लाइक यूं कहने आप लाइक दिस। अब एक तो ये है, एक तो ये उनका तरीकाकार है कि हमारे पास वो क्या करेगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब मटेरियल को कहां ट्रांसफर करना है, उसे फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये नहीं क्यों कह ले,
थोड़ी सर एक क्विक एंट्री कर दूं। कहेगा मटेरियल अकाउंट हमने मटेरियल परचेज किया, इसको डेबिट किया और कैश को या पेबल्स को क्या करेगा, वो क्रेडिट कर देगा। अब सारा मटेरियल कहां ट्रांसफर करना है, अब सारा मटेरियल फैक्ट्री लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री को डेबिट कर देगा और मटेरियल को यहां से वो क्या करेगा, मटेरियल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। ठीक हो गया। अब मटेरियल क्या हो रहे हैं, आप आपके सामने कैंसिल हो रही है, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है हमारे पास, तो हमारे पास फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हेड ऑफिस जो है डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या एंट्री पास कर रहा होगा, उसके लिए कहेगा कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको डेबिट कर देगा, कैश या पेबल उसके लिए उधार जिसको मटेरियल बाय किया है उसको वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। क्योंकि ये बात समझ आती, नॉर्मली एंट्री क्या होती थी, मटेरियल पहले वो मार्केट से परचेज करते थे, मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल्स को क्रेडिट, फिर सारा मटेरियल खा के किसमें डालते हैं, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और हमारे पास मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, तो मटेरियल आपके सामने कैंसिल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली एंट्री हो क्या रही है, तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट या पेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हाँ जी, ये बात समझ आती है बेटा सबको, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड? हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है। चलो आगे मैं, अच्छा जी, इसी तरह से हम डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट लेबर के लिए क्या एंट्री हो रही होगी, वो भी ऐसी होगा कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट वेजेस को डेबिट किया होगा, कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर लिया होगा, तो कैश ही होता है इसमें, तो कैश को उसमें क्रेडिट कर लिया होगा, फिर उठा के सारी कॉस्ट फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो ठीक है, तो ठीक हो गया। हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे, तो ये बेटा मेरे पास इसी तरह से अल्टीमेटली फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको डेबिट कर देंगे और कैश उनको पे किया तो कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक होगी बात। ऐसे में यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास, ये ओवरहेड्स बात करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं हमारे पास, हम फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश या पेबल्स जो भी व्हाटएवर है, कैश करें या पेबल्स करें उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी हेड ऑफिस ने सारे के सारे मटेरियल जो है, सारे के सारा जो लेबर है, सारे के सारे जो ओवरहेड्स है, इसको पहले पे किया होगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, लेबर अकाउंट वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ओवरहेड अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और अल्टीमेटली ये मटेरियल जो है, ये लेबर जो है, जो एक्सपेंस है, ये सारी की सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर दी होंगी, अल्टीमेटली ये सारी की सारी कॉस्ट उन्होंने ट्रांसफर कर दी होगी हमारे पास, ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, सारी की सारी ये अल्टीमेटली उन्होंने ट्रांसफर कर दी होगी WIP के अंदर लेटर ऑन। तो बहरहाल अभी फिलहाल मटेरियल लेबर मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स हैं, ये सारे इनको पे करने के बाद फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाल रहे होंगे, तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता जा रहा होगा और बाकी मीन बाकी मटेरियल कैश पे किया, कैश अकाउंट क्रेडिट, लेबर के लिए भी हमने कैश पे किया, ओवरहेड्स के लिए भी हमने कैश या पेबल्स पे किया, इसको हम क्रेडिट करते जा रहे होंगे। तो ये तीनों चीजें कहां ट्रांसफर हो रही होंगी, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि ये बात समझ आती है यहां तक, यहां तक कोई मसला? इज इट क्लियर? हाँ बेटा, चलो मैं यहीं से थोड़ी सी एंट्री आगे चला दूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। अभी सारी काम कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में, क्यों जी? अब वो अल्टीमेटली क्या करेगा, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इसको क्रेडिट कर देगा, कॉस्ट कहां चली जाएगी, WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट उसको डेबिट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इसको उससे कॉस्ट निकाल के इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे, उसको जाके हम डेबिट कर देंगे, अल्टीमेटली कहां चलेगी सारी की सारी कॉस्ट, फैक्ट्री लार्जर कंट्रोल अकाउंट से सारी की सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगी हमारे पास, ये फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर हो रही होगी। अब यूं क्या लेगी, वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, यूं क्या लेगी डायरेक्टली हमारे पास उसमें ट्रांसफर हो रही है, उसमें फिनिश गुड्स के अंदर नॉर्मली भी आता है, नॉर्मली जनरल लेजर के अंदर जो हमारे पास क्या था, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट से कॉस्ट डायरेक्ट फिनिश गुड्स में जाती, WIP में नहीं जा रही होती, वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं डालते इसको, वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए नहीं डालते कि वर्क इन प्रोग्रेस जो अकाउंटेंट है बेसिकली बेटी, ये कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का अकाउंट ही नहीं होता, तो इसीलिए ये दोनों एंट्री एक तरह से कैंसिल भी हो रही है, तो ये दोनों को नेट ऑफ करके एक ही एंट्री पास की जा रही होती है। वो एंट्री क्या पास की जा रही है, जैसे मैंने पहले कैंसिल करवाया, इसी तरह मैं कैंसिल की WIP मैंने अभी डेबिट किया
और एक जगह में डब्ल्यू एफी क्रेडिट किया, डब्ल्यू एफी डब्ल्यू एफी कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली एंटर किया होगी हमारे पास फिनिश गुड्स, जो हमारे पास जिससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं। फिनिश गुड्स अकाउंट इसको मैं डेबिट कर लूंगा और फैक्ट्री लाजर कंट्रोल अकाउंट इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। ये बात समझ आती है? नॉर्मली मैंने आपको पहले एंट्री करके दिखाई कि हम फैक्ट्री लाजर कंट्रोल अकाउंट से डब्ल्यू आई पी और डब्ल्यू आई पी से हम फिनिश गुड्स, तो मैं भी बता रहा हूँ कि डब्ल्यू आई पी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जो अकाउंट है कभी भी आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं पढ़ा होगा। आपने एफ आर वन अगर पढ़ा है, एफ आर टू पढ़ा हुआ, आपने कभी डब्ल्यू आई पी अकाउंट वहां नहीं पढ़ा होगा। ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अकाउंट होता ही नहीं, लेकिन क्योंकि हेड ऑफिस एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अकाउंट सारे बना रहा होता है एक्सटर्नल रिपोर्ट्स वाले, तो उसमें वो डब्ल्यू आई पी का कभी भी अकाउंट नहीं बनाता, वो नाम यूज ही नहीं करता क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्टिंग का अकाउंट है, ये इंटरनल अकाउंट यूज होते हैं, एक्सटर्नल यूज ही नहीं होते। इसीलिए फिर वो एंट्री यही पास करता है कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट से निकाल के सारी कॉस्ट फिनिश गुड्स में डाली जाती है, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और फिनिश गुड्स की यहाँ पे वो डेबिट करोगे। अल्टीमेटली आप यू कह रहे कि सारी की सारी कॉस्ट यहाँ से निकल के कहाँ ट्रांसफर हो रही होगी, यहाँ से सारी की सारी कॉस्ट निकल के हमारे पास फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रही होगी। फिनिश गुड्स से कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। तो फिनिश गुड्स अकाउंट हम यहाँ से निकालेंगे इसको, यूं कह लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा और फिनिश गुड्स अकाउंट को मैं फिर क्रेडिट कर दूंगा। हाँ जी, यहां तक कोई मसला बता दें मुझे, मैं आगे चल रहा। सेल्स के अकाउंट वैसे ही बनेंगे वैसे बड़ा, जैसे हम रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट किए करते थे, तो एक ये एंट्री हो जाएगी। फिर हम सेल्स को डेबिट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट खुद ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास अकाउंट बन रहे होंगे जनरल लेजर के अंदर। इसमें कोई मसला तो मुझे बताएं, डू यू हैव एन इश्यू? ये एंट्री कैसे जा रही है हमारे पास? सारी की सारी कॉस्ट मटीरियल लेबर एक्सपेंस कहां आएंगे? भले ओवरहेड्स, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री लेजर से कहां जाएगा? फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स से कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेल्स भी आ जाएगी, प्रॉफिट भी आ जाएगा अल्टीमेटली। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? डन? उस पर जल्दी फैक्ट्री लेजर में, फैक्ट्री लेजर में एंट्री कैसे हो रही होती है फैक्ट्री लेजर के अंदर? ये तो जनरल लेजर के अंदर की मैंने बात की ना, तो वहां क्या होता? अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर, फैक्ट्री लेजर। ये मेरे पास है फैक्ट्री, अच्छा ये हेड ऑफिस की सारी एंट्री, तो मैं फैक्ट्री लेजर में आई बना दू। ये मैं बना रहा हूं, ये तो जनरल लेजर कंट्रोल का, यानी हेड ऑफिस में कैसे अकाउंट्स बन रहे होते हैं उसके अंदर क्या बन रहा होता है। अब मैं फैक्ट्री के अंदर बात करने जा रहा हूँ, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? ये हमारी फैक्ट्री है, यानी फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है फैक्ट्री के बनाते हैं, उसके अंदर क्या एंट्री हो रही थी? हेड ऑफिस की जितने भी अकाउंट होते हैं वो उसके अंदर एज ए जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और एज ए पेबल शो होते हैं। अच्छा जी, तो क्या करेंगे यहां? सबसे पहले अगर डायरेक्ट मटीरियल है तो इसके लिए वो क्या एंट्री करेंगे? सिंपल, तो हेड ऑफिस इनके पास सारा माल कहां से आता है? हेड ऑफिस से आता है, हेड ऑफिस मार्केट से बाय करता है, तो ये तो मटेरियल बाय कर रहे होंगे एक तरह से, तो ये रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट कह लें, रॉ मटेरियल अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट या मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और ये सारी चीजें कैश तो नहीं ना पे किया, तो हेड ऑफिस से पे किया, तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट उसको ये क्रेडिट कर लें। ये चीजें कहां से आई है? इनके पास फैक्ट्री से आ रही, तो मटेरियल या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर लें। जितनी मटेरियल के अकॉर्डिंग एंट्री पास कर देंगे, रॉ मटेरियल वो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से निकाल के वो यहाँ इसमें इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में डाल रहे होंगे, तो रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर रहे होंगे। डन? ये बात समझ आती बेटा सबको? इज इट क्लियर? इसी तरह से डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर के लिए वो क्या एंट्री करेंगे? वो हमारे पास डायरेक्ट लेबर अकाउंट को डेबिट करवा दें, या वेजेस कंट्रोल अकाउंट जैसे हम यूज कर रहे थे वो डेबिट करवा दें, एक ही बात है। तो डायरेक्ट लेबर अकाउंट भी मेंटेन किया जा सकता है, डायरेक्ट लेबर अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट उसको ये क्रेडिट कर देंगे। कि डायरेक्ट लेबर हम इसको डेबिट कर देंगे और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो मटेरियल के लिए एंट्री होगी, लेबर के लिए एंट्री होगी हमारे पास। हाँ जी, अब इसके बाद वो ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की भी एंट्री इसी तरह से हमारे पास। सारी की सारी कॉस्ट इनके पास आ कहां से रही है? जनरल लेजर, तो इसके लिए वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे मैं अगर बात कर लू पीयूएच, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या एंट्री हो रही होगी, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट उसको वो डेबिट कर लेंगे जनाब।
तो और जनरल लार्जर कंट्रोल अकाउंट उसको क्रेडिट किया जा रहा था। अभी इसमें कोई बदला इन सारे की सारा मटेरियल, सारे के सारा लेबर, सारे के सारे ओवरहेड्स कहां से आ रहे हैं? हमें जनरल लेजर से आ रहे हैं। तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट या डायरेक्ट लेबर अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट उसको डेबिट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट कहां से आ, कहां से रही है? ये हमारे पास जनरल लेजर से आ रही है, इसलिए हम जनरल लेजर के थ्रू इस तरह से एंट्री पास कर रहे हैं। यहां तक का मसला, इज इट क्लियर? तो मसला यहां तक बेटा, इज इट डन? अब यहां से ये सारी की सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी जनाब? क्यों जी? अब यहां से हम क्या करेंगे, सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे बेसिकली। ये फाइनेंशियल लेजर के अकाउंट्स बना रहे हैं हम, ये वर्क इन प्रोग्रेस में हम ट्रांसफर करेंगे। यानी ये मटेरियल आ गया, लेबर, बाकी उसी तरह से अकाउंट्स नॉर्मली हम बनाया करते थे, कोई नई चीज इसमें नहीं होगी। तो बाकी उसी तरह से हम अकाउंट्स बनाएंगे। कैसे अकाउंट्स बनाएंगे बेटा? यानी ये हमारे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, एक्सपेंस ओवरहेड्स आ गए, ठीक हो गया। अब सबको क्या करेंगे हम, WIP अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, और मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। रॉ मटेरियल अकाउंट इसको क्रेडिट कर दें, डायरेक्ट लेबर अगर है उसको क्रेडिट कर दें, POH इसको क्रेडिट कर दें। तो मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, WIP डेबिट, लेबर अकाउंट क्रेडिट, WIP मीन सारी ओवरहेड, सारी कॉस्ट ऐड करके अल्टीमेटली ये सारी की सारी कॉस्ट हम किस में क्या करेंगे, ये डेबिट, WIP को हम डेबिट कर देंगे, और ये बाकी सारे अकाउंट हमारे पे क्या होंगे, एक तरह से क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट किस में ट्रांसफर की जा रही होगी, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। इज इट क्लियर? वर्क इन प्रोग्रेस में सारी कॉस्ट ट्रांसफर कर दीजिए, फिर अल्टीमेटली वर्क इन प्रोग्रेस में क्योंकि कहां जाएगी, वो फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स अकाउंट ये डेबिट कर देंगे और हमारे पास WIP को हम क्रेडिट कर देंगे। यहां तक अकाउंट बनाएंगे। अब आगे सेल्स का अकाउंट, फैक्ट्री लेजर में सेल्स का अकाउंट नहीं बनता क्योंकि फैक्ट्री वाले सेल थोड़ी करते हैं। फैक्ट्री वाले का काम खैर साली बनाना होता है। फैक्ट्री वाले क्योंकि जस्ट बनाते हैं चीजों को, तो बनाने के लिए वो उसके अकाउंट यूज कर रहे होते हैं कि सर वो बनाते हैं, और रॉ मटेरियल उनके पास आता है, लेबर उनके पास आता है, एक्सपेंस उनके पास आता है, ये ओवरहेड्स आते हैं उनके पास, तो वो सारे अकाउंट्स बनाए जा रहे होते हैं उसके। ये सारी कॉस्ट जब प्रोडक्शन बना, यानी ये सारा कुछ जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये उठा के WIP वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के उसको फिनिश गुड्स में डाल देते हैं। पर यहां तक ये एंट्री होती है उनकी। आगे सेल्स होता है, तो सेल्स के अकाउंट ये नहीं बनाते फैक्ट्री में, सेल्स के अकाउंट थोड़ी बनते हैं, वो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बनते होंगे। बल हेड ऑफिस में सारे अकाउंट बनते हैं, तो हेड ऑफिस वाले अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे अलग से, उन्हें अपनी एंट्री हिसाब से चला रही होंगी, उन्होंने बनाया होगा वहां, उसके अंदर फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डाला होगा और बना ली होगा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में इतनी कॉस्ट लगी हमारी अभी तक। और वो क्या करते हैं, वो इसी फिनिश गुड्स को उठा के वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है हेड ऑफिस के अंदर। वो सेल्स से भी रिकॉर्ड उनके पास आता है, वो सेल्स की भी एंट्री करते हैं, वो फिनिश गुड्स की भी एंट्री करते हैं, वो प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है, यानी अभी जो मैं बात कर, ये जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट ये सेल नहीं करता, इसे चीजों को बनाता है, तो बनाने तक की जस्ट एंट्रिंग होती है। तो फिनिश गुड्स के अकाउंट बना, दैट इज ऑल, ये फिनिश गुड्स तक अकाउंट बनाते हैं, इससे ज्यादा के अकाउंट ये नहीं बना रहे होते। बाकी फिर हेड ऑफिस में सारे रिकॉर्ड वहां मेंटेन किए जा रहे थे, तो वहां से चीजें मैनेज की जा रही होती है। तो मसला यहां तक बढ़े इसके अंदर। कोई सवाल आपके माइंड में? यहां तक क्लियर बेटा? और मैं थोड़ा सा आगे और क्लियर कर दूं। चलें, वो सारी सारी कॉस्ट कहां आई, WIP में आ गई, WIP में आ गई, WIP से आगे कहां आ गई, वो फिनिश गुड्स में आ गई जनाब, बिल्कुल फिनिश गुड्स में डन हो गया। फिनिश गुड्स तक बनाया, अब हेड ऑफिस में कैसे एंट्री होगी, तो ये सारा उठा के वो फिनिश गुड्स हेड ऑफिस में डाल देंगे। तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को एक तरह से वो डेबिट कर देंगे और ये फिनिश गुड्स अकाउंट को वो क्रेडिट कर देंगे। यहां से सारी चीजें ट्रांसफर फिनिश होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट होकर उन्होंने हेड ऑफिस भेज दी चीजें, और हेड ऑफिस में भेजी तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से होगी। तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहां पे जनाब, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और फिनिश गुड्स अकाउंट को वो क्रेडिट कर लेंगे
कि फिनिश गुड्स हमें बना के हेड ऑफिस दे दी। अच्छा सर, ये जब ये सेल कर देते हैं स्टॉक तो चला जाता है, उसकी एंट्री तो होगी, तो यहाँ बेटा इसकी एंट्री होगी, मैंने स्टॉक चला गया ना, तो फिनिश गुड्स के लिए मैंने कहा वो स्टॉक कहाँ गया है, सारी आइटम कहाँ गई, हेड ऑफिस में गई, तो हेड ऑफिस में गई है तो ठीक है, फिर हेड ऑफिस का अकाउंट जनरल एजेंट में डाल देते हैं, फिनिश गुड्स से निकाला उसको और इसको जनरल एजेंट कंट्रोल अकाउंट में डाल देते हैं, अल्टीमेटली हेड ऑफिस में चीजें चलेगी, पहले रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस हमारे पास ओवरहेड की सारा कहां से आया था, वो हेड ऑफिस से ही आया था, तो सब कुछ हेड ऑफिस से आया था, उसको जनरल एजेंट कंट्रोल अकाउंट में डाल देते हैं। अब हमने आगे उसकी प्रोडक्शन की, डब्ल्यू आई पी में डाला, प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, फिनिश गुड्स में डाला, फिनिश गुड्स बन गई, हेड ऑफिस में बात भेज दी, जनरल एजेंट कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया, फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दिया। हाँ जी, यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, डन, इज इट क्लियर, सबको यहां तक क्लियर है यार, बातें मुझे बताएं जरा। लेकिन अब सवाल पे आता हूं, अब सवाल पे आता हूं मैं, एक मिनट, नहीं जी ये आपके सामने आ गया, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम था उसके ऊपर डिस्कशन थी, अभी हमारे पास क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन, ले जी ये हमने पढ़ा अभी, एंट्री एंट्री हमने पढ़ पढ़ी, अरे ये साइकिल देख रही है सर जो आपके सामने, ये देख, ये जब भी मैंने आपको पढ़ाया उसके बारे में ना, हाँ जी बेटा, अब ये देख सकते हैं, थिंक सो हाँ जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट एक बना हुआ है, ये फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर की बातें की जा रही है, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या माइल्ड कॉस्टिंग, ये बेटा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनता है, हेड ऑफिस हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है, कभी मार्जिन यूज नहीं करता, मार्जिन हमेशा इंटरनली यूज किया जा रहा होता है। खैर तो फैक्ट्री लेजर उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट अभी हमने बात की, वो सबसे पहले क्या होगा कि जितनी हमारे पास मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड्स आएंगे, तो इसके अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, सारी मटेरियल लेबर ओवरहेड कहां से आ रहे हैं हमारे पास, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से आ रहे हैं हमारे पास, फिर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड ये सारा कहां जाएगा, डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के ये कहां जाएगा, दिस ऑल विल बी ट्रांसफर्ड टू द फिनिश गुड्स, सारे का सारा हम डब्ल्यूआईपी से निकाल के इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे मटीरियल लेबर ओवरहेड इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बनाएंगे, फिर इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट से उठा के हम इसको डब्ल्यूआईपी में डाल देंगे, डब्ल्यूआईपी से निकाल के उसको हम फिनिश गुड्स में डाल देंगे, फिर अगेन फिनिश गुड्स से हमने लास्ट एंट्री की कि फिनिश गुड्स ये निकल के अल्टीमेटली जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही आ रहा होगा, तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट करके ये सारी चीजें हम इस तरह से जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ही हमारे पास ये सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। इज इट डन, क्लियर होगी बात? अच्छा अब हमारे पास जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी हमारे पास हेड ऑफिस में किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे थे, तो ये इसके लिए हेड ऑफिस सबसे पहले कैश वाला पे करता है, इसलिए वो मटेरियल लेबर ओवरहेड उसको एक तरह से बाय करता है, फिर वो ट्रांसफर करता है फैक्ट्री के अंदर, जब फैक्ट्री में वो ट्रांसफर करता है तो उसके लिए वो अकाउंट बनाता है फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट वो अल्टीमेटली ट्रांसफर करता है फैक्ट्री लेजर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट, सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर कर दी फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, तो फिर फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहां से डायरेक्ट वो डब्ल्यूआईपी में नहीं डालता,
वो फिनिश गुड्स में डालते हैं डायरेक्ट एंट्री हमारे पास। तो यहां से सारी की सारी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की में हमारे पास फिनिश गुड्स में जाती है, फिनिश गुड्स से वो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालता है, वहां सेल की एंट्री भी आ जाती है और डिफरेंस जो आता है वो प्रॉफिट ही होता है हमारे पास। हाँ जी, यहां तक क्लियर होगी बातें सारी, हमने पढ़ ली ये सारी बातें। अब ये सवाल है यार, इसको देख लें और बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे, कोई मसला हुआ तो मुझे भी बता दे। अब एक दफा चलें इसको ट्राई शुरू करें, सब मैं करवाने को सॉल्व करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं सारा एक टू ए टू जी आपको लिख के करवा सकता हूँ, बट इट विल बी वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यार, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप सब लोग इसको ट्राई करें, कोई मसला आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं उस पर आपको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हूँ। जल्दी क्विकली से आप इसको ना देख लें। आप सब लोगों के पास घर में हैंडबुक तो होगी ना, सबके पास है हैंडबुक, क्या ख्याल है, सबके पास हैंडबुक है? हैंडबुक कह रहा हूं, ये स्टडी टेक्स्ट तो है ना सबके पास, तो स्टडी टेक्स्ट में ये सवाल है आपके सामने। लास्ट टाइम हमने किया हुआ, पहले हमने इंटीग्रेटेड में यही सवाल किया था, अब आपने इंटरलॉकिंग के हिसाब से करना है। अगर आप क्विक सा रिव्यू भी, अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, आपको क्विक सा रिव्यू, तो सबसे पहले तीन एंट्री जो मैंने क्या बताई है आपको, तो मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स हम कहां से लेके आएंगे, जनरलाइजर कंट्रोल अकाउंट से लेकर आएंगे, तो ये जनरलाइजर से तीनों एंट्री आ रही है। फिर हमने बात की कि तीनों ये मटेरियल लेबर एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा, डब्ल्यूआईपी के अंदर, फिर डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करोगे, यहां डब्ल्यूआईपी से कहां जाएगा हमारे पास फिनिश गुड्स के अंदर, आगे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगा, फिर वहां से कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस, उसमें जा रहा होगा हमारे पास, अंडरओवर की भी एडजस्टमेंट एक आध होगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहां पे। एक दफा गो थ्रू कर लें, यू शुड ट्राई, इफ देयर विल बी एनी इशू देन वी विल आई विल सॉल्व, ठीक है। आप सब लोग इसको थोड़ा ट्राई करें, सब लोग हरिए क्विकली, एग्जैक्ट 10 बजने में जब एक मिनट रह जाएगा मुझे सिस्टम ऑफ करना होगा, क्योंकि 10 बजे नहीं क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। मंडे को मैं अभी क्लास रख लेता हूँ, आप क्या कहते हैं यार, आई हैव प्लान के मंडे को क्लास की जाए, या ट्यूजडे को रिजल्ट है, टेंशन ना लें आप, मंडे को क्लास करते हैं, ट्यूजडे ऑफ कर लेंगे, क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है आप सब लोगों का, मंडे को क्लास रख ली जाए यार, रखी जाए यार, आई थिंक सो रखी जाए, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि क्लास नहीं है। अली बेटा क्या हो गया यार, ट्यूसडे को रिजल्ट है आपका, मंडे को रिजल्ट तो नहीं है यार, कुछ कह रहे रख ले, कुछ कह रहे नहीं रख ले। अच्छा ऐसा है कि फिलहाल मैंने प्लान किया कि क्लास आपकी होगी, ठीक है, अगर नहीं होगी तो आई विल सेंड यू, अब मैं अब व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे आपको क्लियर कर देंगे सबको, ठीक है। सर ये सिर्फ ट्यूजडे वेडनेसडे को छुट्टी है FR2 में, मैं बताता, हाँ जी ट्यूजडे वेडनेसडे छुट्टी है, मंडे बाकी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए मंडे को मैं ऑफ कर भी नहीं सकता, मुझे अलाउ ही नहीं उसमें से, मैनेजमेंट में कोई ऐसी कुछ नहीं कहा, ट्यूजडे को रिजल्ट आना है वेंसडे आप ऑफ ले लीजिएगा, एक दिन खुशियां मनाने के लिए आपको काफी है, ट्यूजडे भी एंजॉय कर लीजिएगा, वेंसडे भी एंजॉय कर लीजिएगा। तो मंडे आपको ऑफ नहीं है, मंडे आपको ऑन ही रहेगा, इफ कोई मैं चेंज करता हूं उसमें तो आई विल इन्फॉर्म, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, व्हाट्सएप आपको कर दूंगा, अदरवाइज आपकी मंडे को क्लास है, वी हैव अ क्लास, ये सवाल आपके सामने है, वो यू शुड रीड आउट दिस इन, मैंने सब कुछ चैप्टर खत्म हो गया एक तरह से, फिर सिर्फ यही चीजें मैंने आपको फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम एक दफा फिट करके दिखा दी, कि फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम ये चीजें कैसे होती। सवाल को देखें यार सब लोग, अच्छा ये सवाल हो जाएगा आपसे, पहले हम फाइनेंशियलाइजेशन में एंट्री हो रही होंगी, आगे मैं जाके बात करूं अगर तो कॉस्ट लेजर वगैरह जो होंगे हमारे पास वो कैसे एंट्री कर रहे होंगे इसके अंदर, तो वो ये आपके सामने आ गया हमारे पास, कि हमारे पास जो हेड ऑफिस होगा वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करता जाएगा, पेबल्स क्रेडिट, फिर फैक्ट्री लेजर को डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, अब तीनों को क्रेडिट करके सारी चीजें कहां डाल देगा, फिनिश गुड्स के अंदर, फिनिश गुड्स में डाल देगा, वहां सेल्स के अकाउंट्स भी आ जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस और वो चीजें सारी बन जाएंगी हमारे पास। तो हेड ऑफिस में ये इस तरह से एंट्री, जो एंट्री पड़ी वही है हमारे पास, कोई नई चीज नहीं है। आप सब लोग इस देख लीजिएगा ये सवाल पूरा, इसमें कोई मसला हुआ तो वी विल डिस्कस ऑन द मंडे, अदरवाइज मैं मंडे को आपको फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा
उसके बाद में पास्ट पेपर वगैरह में जो सवाल देखूं, क्वेश्चन बैंक में कुछ सवाल मिल जाए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम हमने जरा देखना है, उसमें मैं ये कुछ चीजें अप्लाई करूंगा, अदरवाइज वी हैव डन। ठीक हो गया बेटा, यहां तक कोई इशू, कोई सवाल आपका भाई? कोई आपके माइंड में कोई बात दे? तो इंशाल्लाह मंडे को वी विल कंटिन्यू। हौसला रखें, कुछ नहीं, अल्लाह पे बिलीव रखें, अपना यकीन अब बिलीव को स्ट्रांग करें। तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं आप, मंडे को वी विल कंटिन्यू आप इंशाल्लाह मंडे को। ये सवाल देख के आइएगा, यहां तक पढ़ के आइएगा, मैंने फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम पे फोकस करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।